नमस्कार दोस्तों, ये है डिस्क्लेमर। ठीक है भाई, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया फिलहाल 4:45 PM 27th of Feb के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कि कल हमको क्या ट्रेड प्लान दिख सकता है। बाकी जो लाइव मार्केट में होता है वो मैं आपके साथ सारा शेयर कर चुका हूँ। एक वीडियो आपको बना के दी थी कि भैया सब कुछ बुक कर लिया है, बैंक निफ्टी में यहाँ से बाइंग की पोजिशन है 3990, ये हमारा एसएल। ठीक है, ये लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी यही ट्रेड आपके साथ शेयर कर दिया था। तो अब हमको जो देखने को मिला है, देखिए मेरा टारगेट ये था, ये आ चुका है। अब यहां से मेरा टारगेट नेक्स्ट है ये, बट क्या ये पोजीशन अभी इसके लिए नहीं बनी है? ठीक है, मेरे हिसाब से इसको ये लाइन छूने के लिए आना चाहिए, 16900 से लेके 17000 के बीच आ जाना, एक बार आएगा ये। बट इसके लिए अब सेल कहां से करना है वो अपॉर्चुनिटी हम लोग खोज रहे हैं। अभी तक हमने सेल किया नहीं है, करना होता तो मैंने बोला था आपको, मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे बता दूं, वो अभी तक है नहीं। रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को, जिसने हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है और हम उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। ये देखिए जो कैंडल यहां बनी पूरी जबरदस्त, इसने पूरा इसको ना इसके पीछे वाली कैंडल को क्या कर लिया, गुपचिया लिया। ठीक है, पूरा कवर कर लिया इसको, इसकी इसकी बॉडी भी, इसकी बॉडी भी इसकी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, और इसकी विक को भी देखें तो वो भी इसने हाई एंड लो पूरा इस तरीके से इसने इसको कवर कर लिया है। तो कल एक बार बैंक निफ्टी हमको यहां जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बुलिश कैंडल है ये, और ये चार्ट पैटर्न भी मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, क्या हो गया भैया, स्टार्ट मैसेजिंग, चलो इसको दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कल यहाँ पे जरूर आएगा एक बार बैंक निफ्टी, और ये ऊपर का जो लेवल है अब इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। ये है 40,600। ठीक है, तो ये जो W बन रहा है, और W में ये वाली टांग अगर नीचे वाली टांग से ऊपर रह जाती है तो समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट। तो पहला टारगेट है कल 40,550 से लेके 40,600। इसके ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा भाई, वो मैं लाइव मार्केट में ही आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने ये बोला था कि कोई रिवर्सल ट्रेड लूंगा मैं नहीं लूंगा, वो मैं लाइव मार्केट में देखो आप देख के आपको बताऊंगा। तो मैंने वीडियो भी बना के दी आपको और टेलीग्राम का ट्रेड भी आपके साथ शेयर कर दिया कि हम एक बैंक निफ्टी में पुल बैक और रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हैं, विच इज स्टिल ऑन। तो कल एक बार बैंक निफ्टी यहां तक आता हुआ दिख रहा है पैटर्न के हिसाब से भी। ठीक है, और जो डेली कैंडल स्टिक वहां पे हमको जो दिख रही है वो भी। ठीक है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हम इसको फर्दर 750 तक देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अगर 40,600 को होल्ड किया तो 40,750 यहां तक हम जरूर जा सकते हैं। ये भी हम एक आगे की तरफ अपना सेकंड टारगेट ट्रेड करना चाहेंगे 100-125 पॉइंट का, जब 40,600 के ऊपर निकले। बाकी फिर उसके ऊपर मैं तेजी नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूं इस पूरे वीक में। मुझे नहीं लगता कि 40,800 के ऊपर, देखिए जा सकता है इंट्राडे में जा सकता है, बट क्लोजिंग मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी आपके लिए। बाकी भैया मार्केट है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें उसके हिसाब से चलना है, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलना। तो ये देखते हैं W कहां तक बनता है। फिलहाल माई एंटिसिपेशन इज दिस और मे बी दिस। ठीक है, ये यहां तक भी जा सकता है 40,000, इसके ऊपर भी जाता है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको छोड़ दूँ। ठीक है, आई विल सी कि क्लोजिंग कहाँ आती है, फिर उसके बेस पर व्यू बनाएंगे। अब आ जाती है निफ्टी की बात। निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खोजूंगा मैं, बट यहाँ पे भी एक कैंडल देखेंगे आप, हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल बट एक रेड कलर की। तो रेड कलर की हैमर कैंडल पे मैं इतना कन्विंस नहीं होता हूँ, हालांकि है हैमर और बुलिश होता है, पर जब भी आपको ग्रीन कलर का हैमर दिखे ना हमेशा BTST करके जाना चाहिए, हमेशा ये याद नोट कर लीजिए, 10 में से 8 बार पैसा बनेगा जब ग्रीन कलर का है। ठीक है,
वीडियो समझ में आ रही हो दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बिल्कुल लॉजिक के साथ और सही डायरेक्शन में इंडेक्सेस को ट्रेड दिया जाता है। अब थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है, ये भी उछाल मारेगा, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे आएगा और ये है लेवल 17,450 और 17,500, यहाँ तक आ सकता है। निफ्टी मुझे इतना बुलिश नहीं दिख रहा है, हालांकि कल तेजी होती है, हो जाएगी। और इसको रुकावट ही मिलने वाली है यहाँ, ये पूरे जोन में, ठीक है, 17,500। तो जो हमारा ट्रेड प्लान रहेगा कल का वो है कि भाई बैंक निफ्टी में हम लोग अपनी बुलिश जो पोजीशन है उसको ट्रेल करने की सोचेंगे या बुक करने की सोचेंगे, और जैसे भी होगा मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। और निफ्टी में कहाँ से सेल करने का हम लोग सोच रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल यही है, अगर रिवर्सल और तेजी है तो वो बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी खुद चीख चीख के बोल रहा है कि भैया अगर तुम्हें तेजी करनी है तो मुझ में करो, और निफ्टी खुद बोल रहा है कि अगर तुम्हें मंदी करनी है तो भैया मुझ में करो, ठीक है। कल एक जंप और अच्छा है, जंप मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि इतनी कैंडल यहाँ पे लाल लाल बन गई है। शॉर्ट करते हुए भी थोड़ा सा मन वैसे होता है कि साला कब ग्रीन कैंडल बन जाए। आप देखिए कंटिन्यूस कितनी है, तो रेड कैंडल ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्रक्चर अभी भी खराब है। और मैं अगर ये मिल जाता है ना 17,500 से 17,550 के आसपास भी, एनी क्लोजिंग अबाउ 17,600 विल बी SL, और आई एम एंटिसिपेटिंग दिस, ठीक है, 16,900 ये एक अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है और मेरा SL यहाँ से हिट भी हो जाएगा तो कोई दुख नहीं। 17,600 के ऊपर मैं भाई निफ्टी में नहीं, जैसे जैसे मुझे बैंक निफ्टी में इंट्राडे तेजी दिखती रहेगी मैं वहां करता रहूंगा। मैंने आपके साथ दिन में भी आपको ये शेयर किया है, निफ्टी में मैं इसी प्रकार की सेल की अपॉर्चुनिटी खोजना चाहता हूँ। मेरा टारगेट 16,900-16,950 के आसपास का है, ठीक है। और ये व्यू मैं बिल्कुल कैंसिल कर दूंगा अगर निफ्टी मुझे 17,600 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग दे देता है, जो कि इतना आसान नहीं होगा इसके, ठीक है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये है दोस्तों मार्केट, बाकी अडानी को ठोकते रहिए। अडानी की हमने 3,400 की पुट में पैसा कमाया, जब हिंडनबर्ग की न्यूज भी नहीं आई थी, देन 3,300 की पुट में बहुत अच्छा पैसा कमाया। और ये जब पुट हमने कैरी कर रखी जब हिंडनबर्ग की न्यूज आई, देन हमने 2,500 की पुट में भी अच्छा पैसा बनाया, उसके बाद हमने 1,800 की पुट में भी पैसा बनाया, फिर अब कितनी पुट है इसकी, 1,600 की दी, 1,500 की दी, फिर 1,000 की दी, ठीक है। आज 1,000 की पुट पे प्रॉफिट बुक करवा के अब 800 की दे दी है, और कोई भी ऐसी पुट इसमें नहीं है जिसने डबल ना किया। अडानी को तो ठोक ठोक के क्या है, धुआं कर दिया, जैसे मनोज वाजपेयी गैंग्स ऑफ वसीपुर में नहीं कहते, थगरात। अडानी को ठोक ठोक के धुआं कर दिया। तो ये दोस्तों कैंडल स्टिक की इज्जत रहेगी कल, उछाल मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं उछाल मिले, वहां से सेल करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी प्लान मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर दिया है, आप भी इसी प्रकार से ट्रेड करना चाहें तो अच्छा रहेगा। रिवर्सल की भी अगर आप सोच रहे हैं, और मैं तो पुल बैक ही मेरे दिमाग में, पुल बैक की भी अगर आप सोच रहे हैं तो वो बैंक निफ्टी में ही फोकस की, वही वहां से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यही ज्यादा आपको अच्छा पैसा बना, ठीक है। निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है जितना आप इस लेवल के करीब से खोज सके, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या है, रिस्क बहुत अच्छा डिफाइंड हो जाता है कि भैया इसके ऊपर मैं सीधी बताऊं, क्लोजिंग का भी वेट मत करिएगा, इसके ऊपर 15 से 30 मिनट की टिक गया ना आप निकल जाइए निफ्टी के सेंस, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।